पुणी पश्चिमबंग खेलिला चाल पुणी आलू को नहीं मनमानी राज्य सारा आलू दर बजारे चढ़ा एणे भल आलु भी नहीं एतिक बेले खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र मंडी बुली आलुर दरदाम जांच करिछंती। मंत्री कहिछंती ममता बानर्जी ओडिशा को आलु छाड़ू नाहंती तेणु आलुर अभाव देखादी राज्य में आलु अभाव को देखी उत्तर प्रदेश आलु आने पर सरकार विचार करुछंती। एने आज अपराह उच्चस्तरीय बैठक बस चढ़ा दर में आलु बिक्री करुंचुषान ग्रहण करा राज्य में चढ़ाउ करने जोगाण अधिकारी को निर्देश देते खाद्य और जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। प्रचुर भाव में मजूद अच्छी तापर भी गोटे आर्टिफिशियल स्कार्सिटी आउ करा जाउची आलु नाही तो सेतिपाई जो रेट बढ़ुची एतिपाई किछि व्यापारी मध्य दायी अच्छा ताको ऊपर निश्चित भाव एक्शन नियाजिबो। आमे मु जानुची वेस्ट बंगाल सरकार आलु को सील करछन बंद करछन ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम पर भी आम पाखे जी आलु अच्छी अबका सात आठ दिन आराम से चली हम किसी असुविधा ना कि हठात यार सुजोग नहीं रेट वृद्धि करवा ये आदम समीचीन नुहे मुपारी बंधु मानक नवेदन करुँ नवृत्त रुहतु आमर चिठा अनुजाई जी किचार लाभ रखिक बिकतु ये खाउटी मानक शोषण करने बंद करतु। ओडिशा रे आलु उत्पादन होना तेणु पश्चिमबंग उपर निर्भर करुवा आलु व्यवसायी कहते ओडिशा रे वर्षक 1469,000 टन आलु दरकार होती मात्र 70-80,000 टन उत्पादन होेणु पश्चिमबंग उत्तर प्रदेश पंजाब रु आलु आसे ओडिशापी 100 आलु गाड़ी लोड हो रही है। पश्चिमबंग सीमार से सब ट्रक आसवा व्यवस्था करने राज्य सरकार को अनुरोध करवसाय संघ राज्य शीतल भंडार में 20-25,000 टन आलु रही पांच दिन में यह सरीज आशंका प्रकाश कर संघ आलु 50 पिज 45 कहता आलु गदी आलु ना कौटी आसी पार नहीं बाटे कौट अटकी जिनस ना तेणु लोक तो खाइबे ना धर आम तो 5 किलो नौलु 2 किलो नौ ये हाँ 35-40 थी 50।